उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद है यूपी सरकार के बड़े चेहरे और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी। नंद गोपाल नंदी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी जी, धन्यवाद। नंदी जी, क्या है यूपी का माहौल, क्या कहता है जनता का मन? यूपी का माहौल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस तरह से देश और प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए काम किया है जी। तो माहौल एकदम साफ है, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का आप दावा कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ। अगर इतने कॉन्फिडेंट है सर, तो फिर बीजेपी में ये भागम भाग क्यों देखने को मिली? क्यों आपकी पार्टी को छोड़कर कई बड़े और कद्दावर चेहरे दूसरे दलों में शामिल होते हुए नजर आए? ये हमसे पूछने से अच्छा है कि उन लोगों से पूछे। आप देखिए, सवाल जैसे ही वो छोड़ के भागे या गए जी, आम जनमानस उनसे सवाल कर रहा है कि आप 5 साल वहां पर रहे और जिस थाली में खाए आदमी उसी थाली में छेद करे, वो कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। और एक एक करके, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, अगर आप उनके लेटर का कंटेंट देखेंगे तो एक ही राइटर ने लिखा है, सबने कॉपी पेस्ट किया है। निश्चित रूप से ये दगाबाज लोगों को जनता इनको घर का रास्ता दिखाएगी। ये अपनी अपनी विधानसभा भी जीत करके नहीं आने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, जिनमें बचपना कूट कूट करके भरा हुआ है, एक टोटी को दिखा दो तो आदमी अखिलेश यादव का नाम लेने लगता है। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बचकानी हरकत, बचकाना बयान जग जाहिर है। मुस्लिम वोट कैसे मिल जाए, कैसे बढ़ जाए, इसके लिए कभी वो ओबामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, और कभी वो मुस्लिम जिन्ना को अपना आदर्श बताने का काम करते हैं। कैसे उनका वोट मिल जाए, कैसे उनका वोट बढ़ जाए, केवल इसके लिए काम करते हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए काम किया है। सिर्फ नहीं, ये नारा ये है, उद्देश्य हमारा इसको धरातल पर दिखाने का काम किया है। चाहे हमारी उज्ज्वला योजना आप उठा करके देखेंगे तो अगर हमारी हिंदू बहनें पा रही हैं, उनको मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म मजहब के भेदभाव के, तो दो नकाब वाली बहनें भी उसमें शामिल होती हैं। चाहे आप आयुष्मान योजना देखेंगे, उसमें भी अगर हमारी बहनों को मिल रहा है, हिंदू बहनों को, तो मुस्लिम बहनों को भी उसमें मिल रहा है। अगर आप आवास की योजना देखेंगे, करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जनमानस भूलने वाला नहीं है और ये दगाबाज लोग छोड़ छोड़ करके भागे हैं, ये आम जनमानस अच्छी तरह से देख रही है, अच्छी तरह से जान रही है। ठीक है सर, आप अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तमाम योजनाएं यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो छोड़ कर गए हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी में सुनवाई नहीं हो रही थी, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर जब वो मुद्दे उठाने की कोशिश करते थे तो उनकी एक नहीं सुनी जाती थी, इस वजह से मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। क्यों 5 साल पहले छोड़ के नहीं चले गए, 1 साल 6 महीने में क्यों नहीं छोड़ के चले गए? आप खुद पूछिए उसे, 6 महीने में क्यों नहीं छोड़ के चले गए, 1 साल में क्यों नहीं छोड़ करके चले गए? केवल और केवल अपनी नाकामी परफॉर्मेंस ना कर पाना, और
अनाप शनाप, मैं भी तो मिनिस्टर हूँ, मैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिनिस्टर, स्टैम्प फोर्टी ये मेरे पास रहा, सिविल एविएशन आप देखिए, जहाँ केवल दो एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, आज नौ एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, आठ पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, 95% से ज्यादा पांच बन गए हैं, 60% से ज्यादा बन गए हैं। तो नंदी जी, ये माना जाए कि उन बड़े चेहरों के जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी अखाड़े में इस बार आप लोग दम भरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है इस राष्ट्र को प्रेम करने वालों से है, इस प्रदेश में अमन और चैन कायम करने वालों से है, इस प्रदेश में जो सुख शांति समृद्धि चाहते हैं उनके साथ है, आम जनमानस के साथ हमारा गठबंधन है, इसलिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और पिछली बार तो 325 थी, अब की 350 पार करके हम सरकार बनाएंगे। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप काफी, लेकिन आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया सर, अखिलेश यादव ने तो अन्य संकल्प ले लिया है बीजेपी को हराने का, बीजेपी को हटाने का, उस पर क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है अखिलेश यादव की बातों में जनता आ जाएगी, विश्वास कर लेगी उनका? उस पर ये कहेंगे अखिलेश यादव जी, हम लोगों ने बहुत सारे मुहावरे सुने थे, मुहावरे सुने थे, उसको चरितार्थ होते देख रहे हैं। अभी धर्म सिंह सैनी जी ने जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी पार्टी छोड़ी जी और इस्तीफा दिया, तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा, उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलना, और जिस तरह से थूक करके चाटने वाली कहावत है वो सच होती दिखाई दी, वैसे ही मैं अखिलेश यादव जी के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी के ऊपर भी ये चरितार्थ होता है कि थूक करके चाटना। ठीक है सर, जाते 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 समय की कमी है, ये बता दीजिए प्रयागराज से कितनी सिटीज बार आप दे रहे हैं? पूरी दुनिया एक मिनट हाँ, बोली एक मिनट मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया कोरोना से करा रही थी, पूरा विश्व भूमंडल कोरोना से करा रहा था, हमने सुना था कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड पर राज करता है, ठीक है, हमने सुना था इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसे सामर्थ्यवान देश जब घुटने टेक दिए कोरोना के आगे, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने दो आपको लग रहा है नंदगोपाल नंदी जी की आपका काम जनता तक पहुंच रहा है, और जाते जाते कितनी सीटें इस बार खास तौर पर प्रयागराज से आप कितनी सीटें इस बार देने वाले हैं? उनका मजाक उड़ाने का काम किया, मैं तो मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैक्सीन लगवा करके अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का काम किया, तो वो कहावत थूक करके चाटने वाली सच दिखाई पड़ी, उस पर उनको बयान जारी करना पड़ा कि आप वैक्सीन लगवाइए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदगोपाल नंदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए, हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, कह रहे थे कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से यूपी में आएगी योगी सरकार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।